नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला हरदोई का है, जहां आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले तमाम कोटेदार एएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने कोटेदार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और एक पत्र एएसपी पश्चिमी त्रिगुण विशेन को दिया। कोटेदारों का कहना है कि राशन वितरण हेतु शासन के द्वारा कोटेदारों को ई पास मशीन दे दी गई है। बताया कि इसमें नेट व सर्वर नहीं मिल पाने की वजह से 25-30 पर्चियां निकल पाती हैं, जबकि 2000 से ज्यादा ग्रामीण होते हैं जिनको जब राशन नहीं मिल पाता तो वह लोग अभद्रता व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, जिससे जान जाने का भी खतरा रहता है और ऐसे में राशन वितरण संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि शाहाबाद के गडेपुर के कोटेदार को इसी के चलते पीटा गया और आग लगा दी गई, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं लिखी। टडियावा थाना क्षेत्र के सोसा में कोटेदार को इसी कारण पीटा गया और उसी का शांति भंग में चालान किया गया। कोतवाली देहात के मंगोलापुर में भी ऐसे ही कोटेदार को पीटा गया, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है। कोटेदारों ने मामले में कार्रवाई व सुरक्षा की मांग की है। एडीएम संजय सिंह ने कहा कि समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा। हमारे सामने समस्या ये मशीनें दी गई हैं, पहले उसने कार्ड धारकों के अंगूठे नहीं आ रहे, एक एक दुकान पे 5-5, 6-6 तो कार्ड धारक हैं। कार्ड धारक दिन में कहीं सर्वर गायब हो गए तो कहीं अंगूठे नहीं आए, 10-20 मुश्किल से निपट पाते हैं। दोबारा में फिर दूसरे दिन 100-200 आए, वो लोग झगड़ा करने का मादा हो रहे हैं। जो हमको मशीनें दी गई हैं उसमें डाटा गड़बड़ है, वो यहाँ से DSO ऑफिस से फीड किए गए हैं। जब हमने आधार दिए हैं आपको, आधार दिए, बैंक खाता दिया, सब कुछ दिया, फिर अंगूठे क्यों नहीं लग रहे हैं? डाटा नॉट फाउंड, किसी का अंगूठा लगा तो डाटा नॉट फाउंड। तो जनता जो भी उग्र हो रही है, वो हम लोगों को गालियाँ देती है, हाथ पाँव करने के लिए आमादा है, तो हम लोग क्या करें? जी सर, वो हमारे पास राशन बांट रहे थे, राशन लेने गए, मशीन चल नहीं रही थी, उन्होंने राशन दो, हमने मशीन चल नहीं रहा, कैसे दे? शाम को उन्होंने दारू पीने के बाद छप्पर में आग लगा दी, मारा तोड़ा घर में और लाठी चलाई। थाने गया जी, क्या हुआ सर? हम रिपोर्ट लिखाई थी, दरोगा जी कल जांच पे ले आए थे, जांच के बाद कुछ जवाब ही नहीं दिया। यहाँ किसके पास आए थे? जी सब सीधे आते। किसके पास, किस अधिकारी से मिले यहाँ? इस हिसाब से गाँव में वितरण ई पॉस मशीन के माध्यम से प्रारंभ किया गया है शासन के निर्देश पर, तो ये नेटवर्क की समस्या के कारण वितरण नहीं हो पा रहा, पर्चियां नहीं निकल पा रहे, ग्रामीणों में आक्रोश है, उसको लेकर के इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। तो हम लोगों ने उनको समझाया है, बताया है कि सर्वर मजबूत किया जा रहा है शासन द्वारा, और जिन गांवों में दूसरी कंपनियों के नेटवर्क काम करते हैं उनका सिम उस ई पॉस मशीन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा शासन के सहयोग से। तो सर, जिन लोगों का छूट रहा है, मतलब उन लोगों को मिलेगा ये, मतलब इस महीने की नहीं मिलेगा? सभी को मिलेगा, शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राशन मिलेगा। अच्छा, तब तक अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।